नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना के मामलों में कुछ दिनों से जारी गिरावट आज थम गई है। कोरोना के नए मामलों में आज बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के गुरुवार को 1,72,433 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में आज 6.8% का इजाफा हुआ है। कल कोरोना के 1,61,386 नए मामले सामने आए थे। देश में एक्टिव केस घटकर 15,33,921 पर हो गया है। हालांकि डेली पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हुआ है। डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10.99% पर पहुंच गई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सर्वे में चन्नी सबसे आगे चल रहे हैं। बता दें कि इस सर्वे में कांग्रेस ने प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों से राय जानने की कोशिश की। बता दें कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर दो ही नामों पर तेजी से चर्चा चल रही थी। सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में वरीयता नहीं दी जाएगी। लंदन, रोम, वेनिस और बर्लिन के अलावा यूरोप के कई ऐसे शहर हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन इन शहरों से इतर यूरोप में एक ऐसा देश भी है जो खूबसूरती में कहीं आगे है। इस देश को अगर अजूबा कहा जाए तो शायद ये कम ही नहीं होगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ 40 मिनट के लिए रात होती है। इस देश के बारे में ये तथ्य जानकर काफी लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। उत्तर प्रदेश चुनाव में खड़े हो रहे 20% उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे उम्मीदवार लगभग सभी पार्टियों में मौजूद हैं। इनमें से कई के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश और बलात्कार के मामले दर्ज हैं। ये आंकड़े चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामे से निकाले हैं। केंद्र सरकार ने फेक न्यूज के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई नहीं करने को लेकर अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ बैठक की है। फेक न्यूज के मामले में केंद्र सरकार की गूगल, फेसबुक और ट्विटर के साथ तीखी बहस हुई है। बड़ी टेक कंपनियों के साथ सरकार के ताजा विवाद में सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स को पता चला है कि अपने प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों को रोकने को लेकर गूगल, ट्विटर और फेसबुक और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस हुई है। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के सांसद रिपुन बोरा ने आरोप लगाया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली मोदी सरकार को अपने मंत्रियों, न्यायाधीशों और विपक्ष के नेताओं पर ही भरोसा नहीं है, इसलिए उन पर नजर रखने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहकर देश को गुमराह किया कि स्पाईवेयर को इस्तेमाल नहीं किया गया है। दवा कंपनी जायडस कैडिला ने केंद्र सरकार को अपनी सुई रहित कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। इसे 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दिए जाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। जायकोव डी नाम की जायडस कैडिला की यह वैक्सीन एक प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। इसे इस तरह की दुनिया की पहली वैक्सीन बताया जा रहा है। इसे जायडस कैडिला ने भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ मिलकर के विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाजपा कार्यकर्ताओं को बजट के फायदे के बारे में समझाया। अब पार्टी के सांसदों की भी ड्यूटी लगाई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भगवा पार्टी ने अपने सभी सांसदों को केंद्रीय बजट 2022-23 के बारे में अपने अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को 5 और 6 फरवरी को समझाने के लिए कहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। दिल्ली सहित यूपी के मेरठ, बरेली, लखनऊ जैसे शहरों में भी बारिश शुरू हो गई है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मणिपुर के नेताओं के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि मणिपुर के नेताओं को अमित शाह के आवास पर जूते उतारने के लिए कहा गया है, जबकि वो खुद चप्पल पहने हुए थे। गांधी के इस दावे पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया है कि राहुल ने गृह मंत्री के खिलाफ अपने बेहद ही हास्यास्पद आरोप के जरिए धार्मिक परंपराओं पर आघात किया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को ईडी के अधिकारियों को बताया कि राज्य मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परमवीर ने उन्हें एक लिस्ट दी थी जिसमें उन अधिकारियों के नाम थे जिनका ट्रांसफर किया जाना है। उन्होंने कहा कि ये पूरी सूची अनाधिकारिक थी। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान आंध्र प्रदेश में 15 से 18 साल के किशोरों के लिए टीकाकरण की पहली खुराक 100% पूरी हो चुकी है। ये जानकारी राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में मौजूदा कोविड-19 स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ बैठक की। सीएम ने कहा, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिक्स की कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी लहर और चरम पर है और अब तेजी से घट रही है।
देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत होगा। बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। इसके लिए कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन 2017 में हुआ था। निर्माण एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार कुल मार्गों के 4 स्टेशन वापी, विलीमोरा, सूरत, भरूच दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएंगे। बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में भूमि अधिग्रहण में मुद्दों का सामना कर रही है, जिसके निवारण के लिए काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बुधवार को मुंबई में मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ममता बनर्जी को 1 दिसंबर 2021 को शहर की अपनी एक यात्रा के दौरान राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के लिए उनके खिलाफ दायर एक मामले में 2 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार के हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस केस को एडमिट कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अब SLP दायर करेगी। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। खराब मौसम के बीच अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरोहा पहुंच गए हैं। यहां नौगावा सदात के जब्दा गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार लोगों को मतदान नहीं करना है, बल्कि यूपी का भविष्य तय करना है। सबसे बड़ा दान मतदान होता है। कोई व्यक्ति मतदान से ना छूटे, इसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। यूपी का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी आपकी है। लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता को स्पीकर ओम बिरला की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। बहस के दौरान संसदीय कार्रवाई के तय नियमों का पालन करने के लिए स्पीकर ने न सिर्फ राहुल गांधी को नसीहत दी, बल्कि ये भी कहा कि किसी सांसद को बोलने की इजाजत देने का अधिकार उनका है, न कि राहुल गांधी का। उद्योगपति आनंद महिंद्रा पिछले साल दिसंबर के महीने में एक दिव्यांग शख्स बिरजू का वीडियो पोस्ट करते देखे गए थे, जहां उन्होंने उसे नौकरी देने का वादा किया था। आज बिरजू को नौकरी देने के बाद आनंद महिंद्रा ने खुशी जाहिर की है और बोले हैं कि नौकरी करने का सबको हक है। बिरजू राम को नौकरी मिलने पर आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, जहां उनकी टीम बिरजू से जॉब ऑफर पर साइन करवाते दिखाई दे रही है। आनंद महिंद्रा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उसके लेकर यूट्यूब पर कई वीडियोज बने जिसमें उसके बारे में नेगेटिव बातें की गई। सीमावर्ती उधम सिंह नगर, चंपात और पिथौरागढ़ के साथ ही अब नेपाली जिलों में भी तेजी से बसे जनसंख्या की बदलाव यानी कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। 26 जनवरी को जारी नेपाल की जनगणना में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ है। 2012 से 22 के मध्य में वर्षों में और पूरा समीकरण बदला है। गोरखाओं की आबादी में तो 18,860 की कमी आई है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में इंटर्नशिप के मौके का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत MEA इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले सत्र की शुरुआत इस साल हो गई है। मंत्रालय द्वारा MEA इंटर्नशिप पॉलिसी 2022 के अनुसार आमजन में विदेश नीति की समझ विकसित करने और अन्य उद्देश्यों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को इंटर्न के तौर पर काम करने का अवसर दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद छिड़ा हुआ है, उसकी जहां एक वजह क्रीमिया बना है, वहीं दूसरी तरफ नाटो भी बना है। इसके अलावा एक तीसरी वजह यूरोप में होने वाली रूस की गैस और तेल की सप्लाई है। फिलहाल यही वजह सबसे बड़ी है और अमेरिका इस वजह से छिपा रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। द कपिल शर्मा शो के जरिए अपने दर्शकों को कभी गुत्थी तो कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनकर हंसाने वाले अभिनेता सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी की खबर सामने आते ही उनके फैन से लेकर सितारे तक चिंतित थे। हर कोई बस उनके जल्द से जल्द ठीक होकर घर लौटने की प्रार्थना कर रहा था। दरअसल सुनील ग्रोवर की मुंबई एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल में हार्ट सर्जरी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि सुनील ग्रोवर रिकवर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आज सुनील ग्रोवर को अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने अब 2 भारतीय टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को सलाह दी है कि इन दोनों का रणजी ट्रॉफी में खेलना और रन बनाना एक अच्छा विचार साबित हो सकता है। आपको बता दें, ये दोनों बल्लेबाज पिछले कुछ वक्त से रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं। पंजाब के फिरोजपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया गया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 2 और 3 फरवरी को दरमियान रात को कुछ संदिग्ध हरकत देखी थी, जिसके बाद घुसपैठियों को ललकारा, लेकिन वो रुके नहीं। खतरे को भांपते हुए BSF कर्मियों ने गोली चला दी, जिसमें अज्ञात घुसपैठिए की मौके पर ही जान चली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखने छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। राहुल का इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया। राहुल ने रायपुर पहुंचकर सबसे पहले राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का उद्घाटन किया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमर जवान ज्योति के शिलान्यास की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ के उन सपूतों की शहादत का सम्मान करेंगे जिन्होंने वर्दीधारी सेवाओं में शामिल होकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी से यह मुलाकात शाम 4 बजे देखी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी कार्यक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री को देने पहुंचे थे। साथ ही मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम पर चर्चा भी करते देखे गए। ऑस्ट्रेलिया के एक खोजी अखबार ने बुधवार को दावा किया है कि 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में चीन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसकी कई सैनिक रात के अंधेरे में तेज बहती नदी को पार करते समय डूब गए थे। चीन ने 5 अन्य सैन्य अधिकारी और सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज दे दिए जाने की प्रतिदिन समीक्षा करें। केंद्र ने यह भी कहा है कि टीकों के जरिए लाभार्थियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को समय पर पूरा करना महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी के लिए समुद्री परीक्षण शुरू हो गया। इसमें पनडुब्बी को प्राणोदन प्रणाली, हथियार और सेंसर का परीक्षण शामिल है। बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पनडुब्बी, जिसे कमिश्निंग के समय INS वागीर नाम दिया जाएगा, वागीर एक खास तरह की मछली होती है। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद अब साल के अंत में भारतीय नौसेना को सौंप दी जाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कार्तिक साह गुप्ता, ललित कुमार सिंह, मिट्ठू कुमार, सुभाष ठाकुर, संजय एच शाह, राघव प्रसाद, अजीत पोरस, लक्ष्मण कुमार, धीरज कुमार, जितेंद्र कुमार, सम्राट गुप्ता, अमृता प्रीतम, पूनम कुमारी, राजेश सोंथियाल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार वर्तमान समय में पीएम मोदी का मुकाबला करने में किस विपक्षी नेता में क्षमता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।